सो हेलो मेरी जान, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं ऑनलाइन फ़ोटो एडिटिंग करना तो बने रहिए हमारे वीडियो में और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप लोग बिल्कुल आराम से समझ जाए इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए हम करते हैं शुरू बिना किसी बकचोदी के। क्रोम ब्राउज़र में आ जाइए। तो चलिए मैं क्रोम ब्राउज़र में सबसे पहले आ जाता हूँ। इस पर टैप करेंगे और यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे क्या सर्च करना है मेरी जान मैं आपको बताऊँगा। आप बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिएगा वीडियो को, तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे टैप करना है PHOTO फोटो EDITOR। यहाँ पे आप लोगों को सर्च करना है फोटो एडिटर। ओके मेरी जान, तो आप लोगों को ये सर्च कर लेना है क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद या गूगल में जाने के बाद। और यहाँ पे सर्च करने के बाद हम लोग यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। और मेरी जान क्लिक करने के बाद हम लोगों के साथ कुछ इस और क्लिक करने के बाद मेरी जान हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के चालू हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आप लोगों को थोड़ा नीचे आना है और नीचे आने के बाद थोड़ा इस चीज़ को रिफ्रेश कर लेना है। और रिफ्रेश होने के बाद मेरी जान यहाँ पे आप लोगों को लिखा दिख रहा होगा फोटो एडिटर। ये देख सकते हैं आप लोग, ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन पे जो जो आएगा उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो मेरी जान मैंने क्लिक किया और हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के चालू हो चुका है। तो हम लोग नीचे आएंगे और नीचे आते जाएंगे और नीचे आने के बाद आप लोग तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख रहा होगा फ्री ऑनलाइन फोटो। तो आप लोगों को ये गेट स्टार्टेड लिखा देख रहा होगा। हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के चालू होगा। देखिए हमारा थोड़ा नेट स्लो है तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ से बाहर आ जाना है। ये कुछ ये डाटा है, बाहर आना आप लोगों को। और बाहर आने के बाद आप लोगों को वहाँ पे एक मीडिया का फाइल दिख रहा होगा, इसे वाला इस लोग आपको टैप करके एक फोटो सेलेक्ट कर लेना है। क्लियर क्लियर फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ और फोटो से। और आप लोगों को यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन दिख रहा होगा मेरी जान, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। और देख सकते हैं आप लोग यहाँ से एक कैमरा वाला ऑप्शन भी दिख रहा है, आप लोग यहाँ से भी फोटो ले सकते हैं। बहुत सारा यहाँ पर ऑप्शन दिया है मेरी जान, यहाँ से हम कहीं से भी फोटो ले सकते हैं। एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया है और फोटो को लेने के बाद देख सकते हैं मैंने ये फोटो सेलेक्ट किया है। तो अभी आप लोगों को यहाँ से यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा होगा। ये फोटो को साइज बड़ा थोड़ा कर सकते हैं, ये रिसाइज कर सकते हैं, ये स्टोर कर सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ के बहुत सारा ऑप्शन मिल गया होगा। तो आप लोगों को थोड़ा इधर आना तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को यहाँ से ये वाला देख सकते हैं ऑप्शन। हम लोग जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास इस पर चालू हो जाएगा। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं और यहाँ से इसको कम बेसी मतलब कुछ भी, मतलब आप लोग यहाँ से फोटो की एडिटिंग बढ़िया अच्छे तरीके से कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये देखिए आप लोग यहाँ से फोटो को फुल HD कर सकते हैं। ठीक है मैडम, तो यहाँ पर हाईलाइट भी देखिए हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कुछ भी मतलब। तो यहाँ से और आप लोग को दिख रहा होगा एक फील लाइट, तो इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप लोग को देख सकते हैं कुछ इस तरह का हमारा इंटरफेस। तो हमारा फोटो का कुछ इस तरह सा कलर हो जाएगा, देख सकते हैं आप लोग, ये देख सकते हैं पहले से पहले हो रहा। तो मेरी जान आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्यूटी फाइल लिखा हुआ देख रहा होगा, तो यहाँ पर अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं अमाउंट को अगर बढ़ाते हैं तो हमारा फोटो थोड़ा ब्लैक हो रहा है बट HD साथ हो रहा है। देख सकते हैं मेरी जान फोटो का कुछ इतना देख सकते हैं आप लोग, इफेक्ट आप लोग सिर्फ देख सकते हैं। ये देखिए इफेक्ट भाई, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला फाइल, तो मैं इसे ट्राई किया हूँ और आप लोग भी ट्राई कीजिए। सो मेरी जान अगर हम इस ब्लर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं हमारा फोटो किस तरह का होता है ब्लर, देख सकते हैं अभी हमारा इस तरह का फोटो हो रहा है ब्लर। और अगर नॉर्मल पर हम लोग टैप करते हैं नॉर्मल पर टैप अगर हम लोग करते हैं तो हमारा फोटो कुछ इस तरह का होगा। तो देख सकते हैं बैकग्राउंड और फेस दोनों ब्लर हो जाएगा हमारा।
और अगर हम ये रेडियल पर सीखते हैं तब देखते हैं हम लोग तब तो कुछ इस तरह का होता है, सेलेक्ट टैप करके देखते हैं हमारा फोटो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा अगर हम इस पर टैप करते हैं तो। और यहाँ से हम लोग उसको कम बेसी भी कर सकते हैं, मेरी जान देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का, ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ से फोटो एडिटिंग एकदम फुल HD एकदम बढ़िया से कर सकते हैं मेरी जान, लैपटॉप की तरह। तो आप लोग कमेंट बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।